हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पानी और इंस्टीट्यूट 171983। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वुमेंस और मेंस के वर्क का है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। टू वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। दो महिलाएँ और 5 मैन मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं, और जबकि 3 वुमेन और 6 मैन उसी वर्क को 3 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो आपको फाइंड करना है एक वुमेन और एक मैन उस वर्क को कितने समय में फिनिश कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली दोनों का वर्क फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एज्यूम करना है कि एक वुमेन और एक मैन एक वर्क को कितने समय में, कितने डेज में फिनिश कर सकता है। तो हमने यहां पर एज्यूम किया है लेट ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन डेज इज इक्वल टू एक्स डेज, कि एक महिला एक वर्क को एक्स डेज में फिनिश कर सकती है। तो अगर उस महिला उसने एक दिन में कितना वर्क किया, अगर आपको ये फाइंड करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डेज को रेसिप्रोकल कर दें तो उसका वन डे वर्क आ जाता है। तो वन डे वर्क फॉर ए वुमेन तो 1/x हो जाएगा, वो एक दिन में 1/x वर्क को करेगी। ये पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वर्क का। वैसे ही हमने सेम एज्यूम किया ए मैन कैन फिनिश ए वर्क इन डेज, एक व्यक्ति एक वर्क को कितने दिनों में कर सकता है। तो हमने उसका वाई डेज माना है, फिर उसका वन डे वर्क हमें फाइंड करना है, तो 1/y हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका टोटल कंप्लीटिंग टाइम डेज में। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कंडीशन उसने दी हुई है टू वुमेन और 5 मैन, ठीक है, किसी वर्क को जब करना स्टार्ट करते हैं तो 4 डेज में उसको फिनिश कर देते हैं। तो हम इसका रेसिप्रोकल चलेंगे। देखिए, वन डे वर्क के लिए 4 डेज में वर्क फिनिश हो जाता है, तो हमें एक दिन में कितना वर्क होगा, 4 डेज का रेसिप्रोकल 1/4। तो 1/4 वन डे वर्क है इन टू वुमेन और 5 मैन का। अब देखिए, टू वुमेन ये 1 वुमेन का है 1/x वर्क एक दिन का, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2/x प्लस साथ में 5 मैन भी हैं, तो 1 मैन का वर्क है एक दिन का 1/y। तो 5 मैन कितना करेंगे 5/y। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये आपकी इक्वेशन हो गई। आपको डिनोमिनेटर फिनिश करना है, तो 4 से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई। सेकंड पे हम वर्क करेंगे। सेकंड कंडीशन उसने कहा है कि अगर 3 वुमेन और 5 मैन वर्क करें तो 3 डेज में फिनिश कर देते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आपके 3 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3। फिर कितने मैन और कितने वुमेन्स हैं, तो 3 वुमेन्स हैं तो वुमेन्स में 3/x आ जाएगा, और मैन कितने हैं आपके, मैन पावर है यहाँ पर 6, तो 6/y। देखिए 3 आपको हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपकी 2। देखिए इसको इक्वेशंस तो बन चुकी हैं आपके, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गई हैं। अब आपको यहाँ से अप्लाई करना है रिड्यूसिंग मेथड। वो हमने पी और क्यू एज्यूम करने वाले जो आपके मेथड बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के हम रिड्यूसिंग कर सकते हैं। देखिए, हमें आपको 1/x और 1/x कॉमन है, और 1/y और 1/y कॉमन है, तो यहाँ पर इन दोनों को एज्यूम करना है। तो लेट 1/x को आप पी एज्यूम करेंगे और 1/y को आप क्यू एज्यूम करेंगे। यहां पर जब 1/x प्लेस पर p रखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3। वैसे यहां हो जाएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी 4।
स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई है। तो जैसे मैंने आपको वीडियोस में कराए थे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको एज्यूम करके करना था, ये रिड्यूसिंग मेथड मैंने कर दिया। आगे आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, पहले कोफिशियंट्स इक्वल करने हैं, ठीक है। किसी को अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एलिमिनेशन मेथड की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके उसको पहले सीखें, फिर इसको आगे आप एलिमिनेट करें, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। दोनों वीडियोस के लिंक नीचे है, एलिमिनेशन मेथड भी है और एज्यूमिंग मेथड भी है। तो हमने हमारा जो मोटिव है इस वीडियोस का सिर्फ यही है कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कन्वर्ट करना समझ में आए कि हम इक्वेशन कैसे सेटअप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।